स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर फर्स्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईवीएस ऑफ क्लास फोर्थ. मेंबर्स ऑफ योर फैमिली लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर. परिवार के सदस्य एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? अमन्स अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन ऑफन कम टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स. अमन के अंकल, आंट और उनके बच्चे और अपने दादाजी से मिलने आते हैं. मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ग्रीट वन अनदर व्हेन दे मीट. परिवार के सदस्य जब मिलते हैं तब एक दूसरे का अभिवादन करते हैं. यंगर मेंबर ऑफ द फैमिली सिक ब्लेसिंग ऑफ देयर एल्डर्स बाय टचिंग देयर फिट. परिवार के छोटे सदस्य बड़ों के पैरों को हाथ लगाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं. अमन फील्स वेरी हैप्पी व्हेन हिज रिलेटिव्स कम टू हिज हाउस. अमन बहुत खुश होता है जब उनके परिवार के सदस्य या परिवार रिश्तेदार उनसे मिलने उनके घर आते हैं. ही लव्स टू प्ले विद हिज कज़न. वह अपने कज़न के साथ प्ले करता है. हिज कज़न दीपक इज गुड एट प्लेइंग द गिटार. उसका कज़न दीपक गिटार बजाने में बहुत अच्छा है. अमन इज लर्निंग टू प्ले द गिटार फ्रॉम दीपक. अमन दीपक से गिटार बजाना सीख रहा है. हिज फैमिली मेम्बर्स आल्सो गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट ए फेस्टिवल और ए सेरेमनी इन द फैमिली. उसके परिवार के सदस्य उनसे मिलने कोई त्यौहार या सेरेमनीज पर आते हैं. एवरी ईयर द फैमिली असेंबल ऑन रक्षाबंधन एंड दिवाली. प्रत्येक साल परिवार के सदस्य रक्षाबंधन और दीपावली पर इकट्ठे होते हैं. ऑन मैनी ओकेजन अमन्स फैमिली आल्सो गोज टू विजिट देयर रिलेटिव. और भी कई अवसरों पर अमन की फैमिली अपने रिश्तेदारों से मिलने जाती है. हु टेक्स डिसीजन इन द फैमिली. परिवार में डिसीजन कौन लेता है? अमन्स ग्रैंडफादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली. अमन के दादाजी परिवार में सबसे बड़े सदस्य हैं. ही इज रिस्पेक्टेड बाय वन एंड ऑल. वह उनका सभी आदर व सम्मान करते हैं. ऑल द फैमिली मेंबर्स सीक हिज ओपिनियन व्हेनेवर दे हैव टू टेक मेजर डिसीजन. पूरे परिवार के सदस्य जब तक उनके पूरे डिसीजन को मानते हैं और उनके सुझावों को पूरी तरह से मानते हैं. अमन्स फादर टेक्स हिज एडवाइस इन ऑलमोस्ट ऑल इम्पोर्टेंट मैटर. अमन के पिताजी उन जो भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनके बारे में उनसे सलाह लेते हैं. अमन्स ओपिनियन इज आल्सो कंसाइडर्ड इन मैटर रिलेटेड टू हिम लाइक सिलेक्शन ऑफ ए टॉय, ए बुक और ए ड्रेस. अमन भी उनसे जो भी अपने छोटे छोटे सिलेक्शन करने होते हैं टॉयज या बुक या ड्रेसेस के, वे भी उनसे सुझाव लेता है. अमन्स मदर आल्सो हैज़ ए वेरी बिग फैमिली. अमन की माता जी की बहुत बड़ी फैमिली है. अमन गोज टू विजिट द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स वैन एवर ही हैज़ लॉन्ग हॉलीडेज इन स्कूल. अमन अपने नानी नाना जी के पास जब स्कूल की लंबी छुट्टियां होती हैं तब जाता है. व्हेन अमन्स मदर वाज ए चाइल्ड शी लिव्ड इन ए वेरी बिग फैमिली. व्हेन अमन्स मदर वाज ए चाइल्ड शी लिव्ड इन ए वेरी बिग फैमिली. जब अमन की माता जी छोटी बच्ची थी वह भी बहुत बड़े परिवार में रहती थी. हर पेरेंट्स टू सिस्टर टू ब्रदर्स एंड अंकल हिज वाइफ एंड देयर फोर चिल्ड्रन लिव टुगेदर. उनके माता पिता दो बहनें दो भाई और उनके अंकल उनकी वाइफ और उनके बच्चे
एक साथ मिलकर रहते थे। लुक एट द फैमिली ट्री ऑफ अमन्स मदर रीना वैन शिवाज ए चाइल्ड। देखो अमन की फैमिली, उनकी माता का परिवार और रीना जब वह बच्ची थी। फैमिली ट्री ऑफ रीना अमन्स मदर, रीनाज ग्रैंड मदर, रीनाज ग्रैंड फादर, रीना के दादी जी, रीना के दादाजी। नेक्स्ट उनके आगे आगे बच्चे, रीनाज मदर, रीनाज फादर, रीनाज बुआ, रीना की माता जी, रीना के पिताजी और रीना की बुआ, रीनाज चाचा जी, रीनाज चाची जी, रीना के चाचा जी और चाची जी। आगे उनके बच्चे, रीना हर सिस्टर, हर सिस्टर, हर ब्रदर, हर ब्रदर। उनकी दो बहनें, रीना की दो बहनें और दो भाई, हर कज़न, हर कज़न, नेक्स्ट हर कज़न, उनके चाचा जी का बेटा, चाची जी की बेटी और उनके चचेरे दो भाई। ये उनका रीना की फैमिली का पूरा ट्री है। दीज डेज फैमिलीज आर स्मॉलर, लुक एट अमन फैमिली ट्री। ये स्मॉलर फैमिली है और ये अमन की फैमिली का ट्री है। अमन्स ग्रैंड मदर, अमन्स ग्रैंड फादर, अमन की दादी जी, अमन के दादाजी, अमन्स मदर, अमन्स फादर, अमन की माता जी और अमन के पिताजी, अमन सिस्टर, अमन, अमन और अमन की बहन। यह एक छोटा परिवार है और रीना का बहुत बड़ा परिवार है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।